गुड मॉर्निंग। आज है अष्टमी और अष्टमी के दिन मैं बहुत एक सुंदर साड़ी पहनी हूँ। देखिए, ये वाला एक्चुअली है मसलिन सिल्क। ये मैंने कोलकाता से ख़रीदा था। मैं जब बुआ के पास गई थी तब मैं वहाँ से ही ख़रीदी थी। और अभी मैं हूँ खिराही बांग्लो टूरिस्ट के गार्डन में और हम कुछ ही देर में जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट करने। जैसा कि मैंने कहा था अपने पिछले व्लॉग में कि हम लोग लोकल साइट सीइंग के लिए जाएंगे, तो आज हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं, लाइक वाराणसी के आसपास जहाँ पे भी पूजा वगैरह हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे किले हैं, टेंपल्स हैं, घाट्स हैं, एंड या वहाँ पे जाके हम लोग घूमेंगे, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचेंगे, ऑब्वियसली व्लॉग तो बनाएंगे ही। तो चलिए हम आपसे गाड़ी में मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर की तरफ। माँ दुर्गा मंदिर भी उसी के पास स्थित है। तो ये है संकट मोचन मंदिर और यहाँ पे कैमरा या फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर आपको कैमरा या फ़ोन अंदर रखना है तो आप लॉकअप में रख सकते हैं या फिर अपने गाड़ी में भी रख के जा सकते हैं। ये है दुर्गा माँ का मंदिर। यहाँ से आप भगवान के लिए फूल खरीद के लेके जा सकते हैं। माँ के मंदिर के ठीक सामने ही है, यहाँ पे एक पैंडल जैसा हुआ है और यहाँ पे दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं आपको फोटो दे दूंगा वीडियो। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप अपने जूते यहाँ पे रख के जा सकते हैं। नियमों के अनुसार स्त्रियों को अपना सर घूंघट से ढकना पड़ता है मंदिर में प्रवेश करने के बाद। अंदर आपको 3 या 4 मंदिर मिलेंगे। जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, दो तरफ से लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ अंदर फ़ोन या कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर आपको फ़ोन लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन फ़ोटो मत खींचिएगा। तो ये है तुलसी मनसा मंदिर। इस मंदिर का नाम तुलसी जी के बाद पड़ गया जिन्होंने रामचरितमानस के दोहे लिखे थे। ये है तुलसी मनसा टेम्पल। दुर्गा माँ के मंदिर के ठीक ही सामने है और आपको जूता बाहर रखना पड़ेगा यहाँ पे साइड में। देखिए, अभी हम अंदर जा रहे हैं। तुलसी मनसा मंदिर बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे गार्डन है आसपास, बगीचा। ये वीडियो मैंने मंदिर के अंदर लिया है।
यहाँ पे रामचरितमानस के दोहे लिखे हुए हैं। इसके बाद हम लोग रामनगर किले में गए। वहाँ से जो है आप रामनगर किला देख सकते हैं और यहाँ से आपको सब घाट दिखेंगी। कुछ देर बाद हम लोग किले में पहुँच गए। यहाँ पे आपको कैमरा और फोन अलाउ करेंगे लेकिन म्यूजियम के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। ये है प्रवेश द्वार, रामनगर किला का प्रवेश द्वार है। ये अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे किले हैं। इसका नाम है हॉर्स ड्रॉन काउच या कैरेज। ये मेनली 19th और फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरीज में महाराजा यूज करते थे। ये फोटो मैंने म्यूजियम के बाहर लिया। अगर आप म्यूजियम के अंदर फोटो लेंगे तो आपको 500 रुपीस फाइन देना पड़ेगा। ये है गंगा घाट और ये है मंदिर। देखो आप लोग सामने जाके वीडियो करते हैं। ये देखिए गंगा घाट है। ये हाँ, मुझे यहाँ पे आके सीरियसली पुराने दिनों जैसे वाइब्स आ रही है एकदम। ये मैं यहाँ से किला आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। ये वही ब्रिज है जहाँ से मैं आपको बोली थी कि यहाँ से सब घाट दिखेगा। बहुत ही सुंदर है और वहाँ पे बोट्स खड़े हैं किनारे पे। ये पिक जो है मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत पसंद आई है क्योंकि ये मुझे 90s की जैसे वाइब्स दे रहा है। उस मंदिर के ठीक सामने आप देख ही सकते हैं दूसरी मंदिर है। रामनगर में आए और लस्सी नहीं पिया, ये कभी हो सकता है? रामनगर की लस्सी तो बड़ी फेमस है। यहाँ पे आपको बिना शक्कर वाली लस्सी भी मिल जाएगी। लस्सी के ऊपर इन्होंने कुछ रबड़ी स्प्रेड किया है जिससे ये लस्सी और भी स्वादिष्ट हो गया है।
इस रबड़ी को आप स्पून की मदद से खा सकते हैं। भी लंच करने आए हैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। नहीं नहीं टेम्पोररी। हमने लिया है अन्नपूर्णा स्पेशल वेज थाली। इसके अंदर आपको नान, पापड़, जीरा राइस, दाल, मिक्स वेज, दम आलू, पनीर, सैलड, रायता, मिठाई और अचार भी मिलेगा। इसके बाद उन्होंने हमें लच्छा पराठा भी सर्व किया। हमारा लंच ज़्यादा हेवी हो गया था, लेकिन खाना जो था बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। ये है BHU या आप कह सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये एक सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी है और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंसेस और बहुत कुछ। मैं एक्चुअली इस कैंपस को शूट करना भूल गई थी, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको विश्वनाथ टेंपल से लौटने के वक्त शूट कर लूँगी। हम अगली ब्लॉग में कवर करेंगे विश्वनाथ टेम्पल, 80 घाट, सारनाथ टेम्पल, काल भैरव टेम्पल और मैं कुछ आपको बनारसी साड़ी दिखाऊंगी और उसके प्राइस भी मेंशन कर दूंगी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? पसंद तो आया ना? पता है मुझे आपको पसंद आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को एकदम झट से लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत ही भूलिए। और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इस वीडियो की कौन सी पार्ट ज्यादा अच्छी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।